हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी अलग तरीके से है। यहाँ पे हमने उल्टी उल्टी बुनाई करके एक छोटा सा पीस बनाया हुआ है। तो ऐसे हमने दो पीस बनाने हैं, फिर दोनों पीस को मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगी। जैसे कि ये पीस हमारा गार्टर स्टिच में बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, यदि आप बिगनर्स हैं तो ध्यान से देखिएगा, जब हम दो लाइनें बुनते हैं तो वहाँ पर हमारी एक धारी बन के आती है, देखिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी पाँच धारियाँ बनी हुई हैं। जब हमारे दो पीस सेम तरीके से होते हैं, यानी गार्टर स्टिच में होते हैं, दोनों पीस को हम कैसे जोड़ेंगे, आज मैं ये बताने वाली हूँ कि दोनों पीस को हम कैसे जोड़ेंगे ताकि दोनों पीस हमारे अच्छी तरीके से जुड़ सकें। सबसे पहले मैं दो लाइनें बना के दिखाती हूँ जिससे कि हमारी एक धारी बनेगी। पहले फंदे को नेटवाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएँगे और पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुनूँगी। धागा पीछे करेंगे और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, क्योंकि हमारी सीधी साइड है। देखिएगा फ्रेंड, जो ये नीचे हमारी धारी दिखाई दे रही है, इससे मैं पता लग जाता है कि हमारी सीधी साइड है। यहाँ सीधी साइड में मैंने पूरी रो को उल्टा बुन के कम्प्लीट कर लिया है। अब आते हैं बैक साइड में। पहले फंदों को पलवाई स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ पर हम गार्टर स्टिच में बुनाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बुनाई कर रहे हैं। यहाँ बैक साइड में मैंने पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन के कम्प्लीट कर लिया है। देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारी एक धारी बनकर नज़र आ रही होगी आपको। देखिएगा, जो हम दूसरा पीस बनाएंगे उसमें भी हमने यही करना है। दो लाइनें बनानी है, सीधी तरफ से पूरी उल्टी उल्टी और उल्टी तरफ से भी पूरी उल्टी उल्टी। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा वाला पीस है, इसमें भी हमने यही करना है। सीधी साइड में पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे और उल्टी साइड में भी पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। इस तरीके से यहाँ पर हमारी एक धारी नज़र आएगी। अब दोनों पीस को हम जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ कि दोनों पीस को जोड़ने के बाद कैसा हमारा दिखाई देगा। सीधा वाला पार्ट हमारा ऊपर है और उल्टा वाला भाग हमारा नीचे है। ऐसे हमने इधर भी करना है, सीधा वाला पार्ट हमारा नीचे रहेगा और उल्टा वाला भाग हमारा ऊपर रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एक सिलाई की नोक हमारी इधर है और दूसरी सिलाई की नोक हमारी इधर है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम सिलाई की नोक को इधर लाएँगे। पहले हम फंदों को ऐसे निकाल देंगे, फिर सिलाई में सारे फंदों को ऐसे ले लेंगे। यहाँ पे दोनों सिलाई की नोक हमारी एक साइड में आ गई है। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों सीधे पार्ट हमारे अंदर की साइड में है। अब यहाँ पे हम दोनों पीस को जोड़ेंगे। एक फंदा इस वाली सिलाई से लेंगे और एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे, फिर से एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे, उसके बाद दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अब ये दो फंदे हो गए हैं, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमारे फंदे बंद हो रहे हैं, देखिएगा। फिर से एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अब ये दो फंदे हो गए हैं, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे और दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। उसके बाद पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अब ये दो फंदे हैं, पीछे वाले फंदों को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फ्रेंड, जैसे हम कंधे जोड़ते हैं ना, सेम वही तरीका है। तो यहाँ पर मैं सभी फंदों को बंद कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अब ये दो फंदे हैं, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। उसके बाद इस धागे को इस लूप के अंदर से ऐसे निकाल देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड, जब हम इस तरीके से जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा ऐसा दिखाई देता है। देखिएगा, बीच में हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है।
दो धारे के बीच में ये हमारा गैप दिखाई दे रहा है जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। और मैं दूसरे तरीके से आपको बता रही हूँ कि कैसे हम फंदों को बंद करेंगे जिससे कि ये गैप हमारा दिखाई ना दे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दूसरे तरीके से बताऊंगी यहाँ पे हम दो पीस को कैसे जोड़ेंगे जिससे कि ज्वाइंट हमारा सुंदर सा बन के दिखाई दे। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी सीधी साइड है, यहाँ पे हम गाटा स्टिच में बुनाई कर रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ से हम उल्टा उल्टा बुन रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारी सीधी साइड है तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही रो बनाएंगे। पहले फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे क्योंकि हमारी सीधी साइड है। तो देखिएगा फ्रेंड, जब हम गाटा स्टिच में दो पीस को जोड़ेंगे तो हमने सिर्फ एक ही लाइन बनानी है। यहाँ पे हमने सीधी साइड में पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब यहाँ पे जो बैक साइड की रो है उसको हम नहीं बुनेंगे, सिर्फ हम एक ही रो बनाएंगे। इस पीस को हम यहाँ पे रख देते हैं। अब ये हमारा दूसरा पीस है, इसमें भी हम यही करेंगे, सिर्फ हम एक लाइन बनाएंगे। जबकि हम दो लाइनें बनाते हैं तो यहाँ पे हमारी एक धारी बनकर नजर आती है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक ही रो बनाएंगे। बैक साइड की रो को हमने नहीं बुनना है। पहले फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। धागा पीछे करेंगे और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे क्योंकि हमारी सीधी साइड है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही रो बुनी है उल्टी उल्टी। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम दो पीस को जॉइंट करेंगे। सीधा वाला भाग हमारा ऊपर है और उल्टा वाला पार्ट हमारे नीचे आएगा। ऐसे ही मेजर भी करेंगे, सीधा वाला भाग को अंदर की साइड में रखेंगे और उल्टा वाला भाग हमारा ऊपर रहेगा। यहाँ पे दोनों सीधे भाग हमारे अंदर की साइड में रहेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों सिलाई की नोकों में एक साइड में लाएंगे। अब दोनों सिलाई की नोक हमारी एक साइड में आ गई है। अब यहाँ से हम सभी फंदों को बंद करेंगे, यानी कि दोनों पार्ट को हम जोड़ेंगे। एक फंदा हम आगे वाली सिलाई से लेंगे और एक फंदा हम पीछे वाली सिलाई से लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन देंगे। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे, फिर से एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे, उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लेंगे। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अब ये दो फंदे हो गए हैं, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे फंदे बंद होना शुरू हो गए हैं। फिर से एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अब ये दो फंदे हो गए हैं, पीछे वाले फंदों को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। उसके बाद पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा पीछे से लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अब पीछे वाले फंदे को ऐसे लेंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं सभी फंदों को बंद कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम लास्ट में आ गए हैं। एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। उसके बाद पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अब पीछे वाले फंदों को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। उसके बाद पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फंदे के बीच में धागे को ऐसे डालेंगे और इस तरीके से पकड़ के खींच देंगे। यहाँ पे सभी फंदे हमारे बंद हो गए हैं। ध्यान ये रखिएगा कि दोनों पीस में हमारे फंदे बराबर होने चाहिए। तो देखिएगा फ्रेंड, जब हम दोनों पीस को ज्वाइंट कर देंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ज्वाइंट हमारा पता नहीं लग रहा है। देखिएगा, आज मैं यही अंतर दिखाना चाह रही थी। जब हम गाटा स्टिच में जोड़ते हैं दोनों पीस को तो क्या फ़र्क आता है। देखिएगा फ्रेंड, जब हमने पहले दोनों पीस को जोड़ा था तो इस तरीके से दिखाई दे रहा था। जब हमने दूसरे मेथड से जोड़ा था तो इस तरीके से दिखाई देगा।
यहाँ पे हमारा जॉइंट पता भी नहीं लग रहा है, देखिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कंधे जोड़े हुए हैं इसी टेक्निक से, यहाँ पे भी हमारा जॉइंट पता नहीं लग रहा है, देखिएगा। दोनों कंधे मैंने ऐसे जोड़े हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स एंड ट्रिक आपको पसंद आएगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।